वेलकम टू माई चैनल लर्न विद लक्ष्य। तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 प्राइड एंड प्रेजुडिस। आपको उसके क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैंने एक और वीडियो बना के रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो हम लोग आज ये लिखी है, जैन ऑस्टन है जो कि बहुत बड़ी ऑथर है, इंग्लिश ऑथर है, इनकी सारी नोबल फेमस गई है। उसमें से एक और नोबल है जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसमें ये नोबल पूरी फुल नोबल नहीं दी है, इसमें एक छोटा सा नोबल का पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार मिस्टर बेनेट फैमिली के घर के बगल में एक बहुत अच्छा, एक पैसे वाला अमीर एक लड़का आया था, है ना, जिसका नाम था मिस्टर बिंगले, है ना। वो और जो मिसेस बेनेट है, उसकी मम्मी जो जेन की मम्मी है, वो बोलती थी कि जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है वो मिस्टर बिंगले से, बिंगले से अट्रैक्ट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। और फिर मिस्टर बेनेट आता है एक लेटर लेके, जिस जो लिखा था बिंगले, मिस्टर बिंगले ने लिखा था। तो फिर उसकी मम्मी बोलती कि जल्दी जल्दी बताओ ये कैसा है, कौन है ये, और ये क्या बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। तो फिर वो लेटर पढ़ती, लेटर में ये लिखा हुआ था कि आप हमारे घर डिनर करने आइए, जिस कारण हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आप अच्छा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले ही एक फैमिली जैसे रहने लग जाए। सो फिर क्या हुआ, फिर उसकी बेटी बोलती, जैन बोलती कि मम्मी मुझे एक बग्गी टाइप दे दो, बग्गी जिसमें बैठ के जाते हैं कुछ ऐसे ही, है ना, लाइक दिस, बोलती कि मुझे दे दो, मैं उसमें बैठ के चले जाऊँगी। फिर जो उसकी मम्मी बोलती, वो बोलती नहीं बेटा, तुम उसमें नहीं जाओगी, तुम जाओगी हॉर्स में बैठ के, हॉर्स पर मतलब हॉर्स ही होता है, हॉर्स में बैठ के जाओगे। तो उसकी मम्मी सोचती है ये जब हॉर्स में बैठ के जाएगी तो क्या होगा, बारिश शुरू हो जाएगी और वो मिस्टर बिंगले के घर ही रुक जाएगी। फिर जो एलिजाबेथ बोलती है हाँ हाँ ये तो सही है, चलो अच्छी बात है, है ना। फिर जो उसकी मम्मी है वो बोलती बट माय डियर योर फादर कैन नॉट स्प्रेड द हॉर्सेस, उनके पास वो हॉर्सेस नहीं भेज सकते हैं। आई मस्ट एदर गो इन द कोच, वो बोलती है मैं तो कोच से ही चले जा सकती हूँ। फिर क्या होता है, फिर वो जो जेन है वो घोड़े में बैठ के, हॉर्स में बैठ के चले गई, और उसी समय से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इवनिंग तक बारिश होते रही होते गई और जेन घर लौट के नहीं आए। उसकी बहन को बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई, मेरी बहन तो घर लौट के नहीं आए, उसे बहुत ज़्यादा चिंता की। मगर उसकी जो मम्मी थी वो सोच रही थी कि अरे यार, वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ अब बारिश हो गई, मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो रहा है। क्या था उसका प्लान, ये था कि वो बारिश वहीं पर रुक जाए और वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। फिर अगले दिन किसका लेटर मिला, मिसेस मतलब जेन बेनेट मतलब जेन का लेटर, मतलब एलिजाबेथ की बहन जेन का लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि मैं अगली सुबह कि मुझे अच्छा कम अच्छे से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, है ना, ये सब लिखा हुआ था कि ऑल एलिजाबेथ के लिए ये लिखा हुआ था। और जो जॉन रहता है, ये जॉन है ओके वेल माय डियर, ये वो मर भी जाए या उसे बीमार हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो अच्छा है। फिर उसकी जो मम्मी बोलती मतलब जैन मिसेस बेनेट की, वो पीपल डू नॉट डाई ऑफ लिटिल, मतलब कि ये वो मर भी नहीं सकती, इतने जल्दी तो मरेगी नहीं, क्योंकि वो एक सिंपल सा तो बुखार ही तो हुआ, ऐसा थोड़ी ना मर जाते हैं लोग, ये बोलती। फिर एलिजाबेथ को लगता कि अब तो मुझे अपनी बहन को, मेरी उसके बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी अपनी बहन के लिए, तो वो जाने लग गई, है ना, और उसके पास कुछ था ही नहीं, है ना, वो जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे वो जेन जा रही थी इससे, उसके पास ये भी नहीं था जाने के लिए ओके, और फिर और हॉर्स से उसे जाना नहीं था, तो वो पैदल जाने लग गई। तो उसकी मम्मी गुस्सा हो गई, बोलते लग गई क्या तुम ऐसी पागल पागल जैसी चीज़ क्यों कर रही हो तुम, तो तुम वहाँ जाओगी उन्हें कैसा लगेगा, कैसा फील होगा। तो उसकी फिर एलिजाबेथ बोलती दूसरों को कैसा भी लगेगा मगर मुझे। फिर जो जॉन रहता है, जॉन बोलता क्या मैं तुम्हें हॉर्स भेजूँ, तो फिर जो ये रहती है
एलिजाबेथ बोलती, नहीं मैं अपना चल के ही चले जाऊंगी, 3 मील्स, 3 मील्स होता है टोटल 4 किलोमीटर, 3 मील्स मैं चले जाऊंगी, आई शैल बी बैक बाय डिनर, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी। फिर वो जाती है, और वैसे कल तो बारिश हुई थी है ना, फिर क्या हुआ उसके मतलब कि कल बारिश हुई थी उनके इधर, तो क्या हुआ वो मद मद मतलब मिट्टी वगैरह आ गई ये सब, तो उसके पेटीकोट भी गंदा हो गया था। फिर जब वो आती है फिर उसकी मिस्टर बिंगले की बहन देख लेती है, और वो फिर उसे वो अपनी बहन के पास है, मतलब जेन बहुत ज़्यादा बीमार होती है, बहुत अच्छी ज़्यादा बीमार होती है, हुई रही है। डॉक्टर जाते हैं, बोलते हैं कि ये इन्हें तो बहुत ज़्यादा बहुत पक्का वाला बहुत ज़्यादा वो बुखार है, बहुत ज़्यादा बीमार है ये जेन। फिर जो एलिजाबेथ रहती है वो बोलती है कि एक काम करो तुम ना ये बिस्तर में ही बैठ बैठ जाओ, ओके तुम बिस्तर में ही आराम करो, तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो। पर जैसे ही एलिजाबेथ को लगता है कि 3 बज चुके हैं, 3 जैसे क्लॉक में 3 बजते हैं, तो एलिजाबेथ को लगता है अब मुझे घर जाना चाहिए, जैसे वो घर वो रूम से बाहर निकल लेती और बोलती है प्लीज़ मत जाओ। फिर मिसेस बिंगले उसकी मिसेस बिंगले मतलब कि उसकी जो बहनें रहती है मिस्टर बिंगले की, वो बोलती है कि तुम आज आज के लिए जेन के पास रुक जाओ। फिर वो एलिजाबेथ बोलती है ठीक है मैं यहीं रुकी हूँ, फिक्र मत करो जेन, ओके। फिर एक सर्वेंट को बोल के भिजवाती है उनके घर, बहनें के घर, कि वो उनके उनके कपड़े ले आए। फिर क्या होता है, फिर जो एलिजाबेथ रहती है वो नीचे आती है खाना खाने के लिए। जब वो नीचे आती है फिर वो सोचती बुरी मैं इतना बुरा क्यों सोचती हूँ बिंगलों के बारे में, वो तो कितनी मैं इतना सोचती हूँ बिंगले की बहनों के बारे में। फिर वो सोचती है कि अरे यार मैं दूसरों परिवार के साथ खाना खा रही हूँ, और ये मैं तो दूसरों के परिवार के साथ खाना खा रही हूँ, और ये लोग और जेन भी मेरे साथ नहीं है। तो फिर वो ना फिर ऊपर चले जाती है, वो अपस्टेयर चले जाती है, किसके पास, जेन के पास चले जाती है। फिर जो एलिजा फिर मिस्टर कि जो बहनें रहती है वो बोलती है कि देखो तो कितनी गंदे मैनर्स है इसके, ना ना कुछ गई ना स्टाइल है, ना तो कोई तेज है ना कोई ब्यूटी है। फिर उसकी जो बहन रहती है वो बोलती है शी लुक ऑलमोस्ट वाइल्ड, जब वो सुबह सुबह आई थी वो कैसे जंगली टाइप लग रही थी। फिर वो बोलती है कि उसका पेटीकोट देखा था 6 इंच तक का पेटीकोट डूबे, क्योंकि बारिश हुई थी तो हो गया था, तो वो मड में डूबा हुआ था। फिर मिस्टर बिंगले रहता है, ये रहता है मिस्टर बिंगले रहता है, वो बोलता है मुझे वो बोलता है मैंने तो कोई देखा नहीं कि एलिजाबेथ मैंने उसका तो देखा नहीं, वो तो अच्छी थी सुबह सुबह, मैंने तो उसके वो उसके गंदे पेटीकोट को तो मैंने देखा ही नहीं। तो फिर जो उसकी उसकी जो मिस्टर बिंगले की जो बहनें रहती है वो दासी को बोलती है क्या क्या तुम्हारी बहनें भी ऐसा करेगी, तुम ऐसा मत सोचो। तो बोलती है वो बोलता नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, ये रहता है दारसी, ओके। फिर इट शोज है अफेक्शन फॉर हर सिस्टर दैट इट्स व प्रेजेंट। तो ये बोलता है कि कि एलिजाबेथ ऐसा इतनी सारी वो करी है। फिर जो ये मिस्टर बिंगले की जो बहनें रहती है वो बहन रहती है वो बोलती है आई एम अफ्रेड मिस्टर दासी दैट दिस एडवेंचर हैज अफेक्टेड योर, हाँ। तो उसे लग रहा है कि इतना सारा इतना कुछ हो चुका है और रोना आ रहा है तुम्हारी आंखों में। तो जो दासी रहता है वो बोलता है नहीं नहीं ये मैं ना मेरी आँखें ही इतनी ब्राइट है क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये जो रहता है ये बोलता है जो ये मिस्टर बिंगले की जो बहनें रहती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपनी मदर्स और फादर के घर जल्दी से लौट जाए, जल्दी से ठीक होकर।
बट इट इज़ वेरी मजनली लेसन देयर चेंज से. तो वो फिर वो बोलता है हाँ सही बात है, वो जल्दी से तैयार होके चले जाए. फिर एलिजाबेथ जब जब जेन सो जाती है, फिर एलिजाबेथ आती है ड्राइंग रूम में किसी को ज्वाइन करने. ड्राइंग रूम में फिर जो मिस्टर बिंगले की जो जो मिस्टर बिंगले की जो बहन रहती है, वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो एलिजाबेथ है वो तो बहुत बड़ी रीडर है, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ती है, बहुत बड़ी ये क्या है रीडर रीडर है, बहुत अच्छा पढ़ती है ये. तो फिर जो इसके पास बैठा रहता है ये जो बैठा रहता है इसके पास, ये बोलता है क्या आपको कार्ड पढ़ता कार्ड आता है. फिर ये जो मैं इतनी ग्रेट रीडर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे दूसरों का अच्छा लगता है करना. फिर जो रहता है मिस्टर बिंगले बोलता है आई एम श्योर यू हैव प्रेजेंट इन नर्सिंग योर सिस्टर, मुझे ज़रूर पता है कि आपको अपनी अपनी बहन का देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है. फिर मिस्टर दासी बोलते हैं इट्स हैव ऑफ मैनी जनरेशन, वो बोलता है कि मेरे पास ये सब इतनी सारी बुक्स, मेरे पास इतना सारा कलेक्शन है, बहुत सारा बहुत 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 सारी जनरेशन का है, मतलब कि बहुत पुराना है. यू हैव अ ड्यूटीफुल लाइब्रेरी एट द पिम्बल डोंट यू मिस्टर दार्सी, तुम्हारे पास इतनी सारी बुक है और तो तुम और खरीदते रहते हो बुक, है ना. फिर बोलता है ये सब तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. फिर ये जो रहता है मिस्टर मतलब कि मिस इस मिस दार्सी वंश हैज ग्रोन सिंस स्प्रिंग, आई एम श्योर शी इज नाउ हैज टॉल हैज आई एम. फिर उसकी जो मिसेस मिसेस दार्सी रहती है, मिसेस दार्सी उसकी दार्सी की वाइफ मिसेस दार्सी, अभी तक तो वो तो मेरे बराबर होगी और बहुत ज़्यादा अच्छे मैनर्स होंगे उसमें और बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, बहुत खूबसूरत रहेगी. फिर मिस्टर बिंगले बोलता है इट इज़ अमेजिंग हाउ यंग लेडीज कैन हैव द पेशेंस टू बी ऑन द वेरी विशेष, मतलब कि जो मिस्टर बिंगले है वो बोलता है कि हाँ कि इतनी सारी लेडीज कर लेती हैं, ऑल यंग लेडीज कंप्रेस व्हाट डू यू मीन्स, वो बोलता है सारी काम मीन्स लेडीज कर लेती है, तुम्हारा क्या बोलना है. तो मिस्टर बिंगले बोलता है यस दे ऑल पेंट टेबल्स कवर स्क्रीन, मतलब कि हाँ ये कर लेती है, ये तो सर सारे काम कर लेती है, ये सब पेंट कर लेती है टेबल भी कवर स्क्रीन को भी, ये सारे काम कर लेती है. फिर ये बोलता है अ वुमेन मस्ट हैव अ थॉट नॉलेज ऑफ म्यूजिक सिंगिंग ड्राइंग डांसिंग. तो ये बोलती है कि वुमेन के पास तो बहुत सारी नॉलेज होती है म्यूजिक की भी, सिंगिंग की भी, ड्राइंग की भी, डांसिंग की भी, और बहुत सारे मॉडर्न लैंग्वेज की भी रहती है, और बहुत अच्छी मेहनत वॉक करती है, और सारी सारी चीज़ें किसके पास के पास होती है. तो जो दास रहते वो बोलता है ऑल दिस शी मस्ट प्रोसेस एंड टू ऑल दिस शी मस्ट यर्थ एज समथिंग मोर सब्सटेंसिबल, बोलता है एज समथिंग मोर सब्सटेंसिबल. फिर जो एलिजाबेथ रहती है वो बोलती है आई एम नो लॉन्गर सरप्राइज एट योर नोइंग ओनली जेंडर एक्रॉइज वूमेन आर रेदर वन दैट एट योर नोइंग एनी, कि हाँ वो बोलती है कि तुम लड़का हो कि लड़की हो कि इतना सारा काम तुम एक साथ कर देती हो. फिर आई नेवर सो सच अ वूमेन, आई नेवर सो सच कैपेसिटी एंड टेज, वो बोलती है एलिजाबेथ बोलती है ना मैंने किसी किसी कोई वूमेन को देखा है, ना ही मैंने कोई कैपेसिटी देखी है, ना ही मैंने कोई टेज देता है, ना एप्लीकेशन, ना दिस इज अनटेल्ड, मैंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं देखा है, मैं ऐसी काम सारे कर लेती हूँ. सो दैट्स अवर स्टोरी प्राइड एंड प्रिजुडाइस जो कि लिखे जैन ऑस्टन ने. सो ये थी हमारी स्टोरी, आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं लाइक और सब्सक्राइब करना.